हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद और हिंदी शिक्षण सीटेट स्पेशल टॉप 10 सेकंड पार्ट। ओके, टॉप 10 फर्स्ट जो पार्ट था आप लोगों ने बहुत सराहा, अच्छे कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा, इससे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं आपके समक्ष लाया हूँ टॉप 10 सेकंड पार्ट। बिल्कुल लगभग 33,000 प्लस वीडियो देखा गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो हम आपके समक्ष लाए हैं टॉप 10 सेकंड पार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा कथन असत्य है? मातृभाषा तथा प्रथम भाषा अलग अलग हो सकते हैं, मातृभाषा तथा प्रथम भाषा एक हो सकती है, मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा एक ही है, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में अंतर होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को लिया गया है। वन बाय वन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देखिए, किसी बालक के विचार को समझने हेतु उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देकर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देकर, निबंध लिखने को देकर, उपयुक्त सभी। तो आप कमेंट करके आप उत्तर दे सकते हैं, आप अपने विचार आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ए बी सी डी आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, अपने उत्तर दे सकते हैं सभी पार्ट्स के। यदि आप कोशिश करेंगे तो जरूर आप बता लेंगे। देखिए यहाँ समझिएगा, किसी बालक के विचार को समझने हेतु उपयुक्त है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब आप अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के द्वारा छात्र को एक विशेष एरिया में बांध देंगे, मतलब जो आप प्रश्न पूछेंगे सिर्फ उसी का जवाब दे पाएगा छात्र, उसी का जवाब देगा। लेकिन अगर निबंध लिखने को देंगे, आप निबंध लिखने के लिए देंगे, तो उसके विचारों को समझने में, उसके भावों को समझने में सर्वाधिक मदद मिलेगा जब आप निबंध लिखने के लिए देंगे। वो स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर अपने भाव विचार को रखेगा, तो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा यहाँ पे वो निबंध लिखने को देकर। ये ध्यान रखिएगा, अति लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप प्रश्न देंगे उस प्रश्न का उत्तर देगा तो वो बंधा हुआ सा रहेगा, वो किसी विशेष पॉइंट पर रहेगा, मुक्त नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा। तो भाव और विचारों को समझने के लिए सबसे यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा निबंध लिखने को देकर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नाटक कलाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है नाटक कला से अवगत कराना, नाटक के प्रसंग तैयार कराना, मंचन के अवसर देना, नाटकीय क्षमता की पहचान करना। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप देखिए तो सभी महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है चारों, लेकिन इन चारों में एक का चयन करना है आपको। और मैंने आपको कई बार बताया है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई बार आपको बताया गया है कि जो अवसर होता है, जो प्रैक्टिकल रूप होता है, जो प्रयोग रूप होता है, भाई नाटक के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मंचन के अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। इससे उस बंदे के अंदर कला है कि नहीं है, हुनर है कि नहीं है, फिर क्या करना है ये पता चलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उसको पहले अवसर दिया जाए, मंचन के अवसर देना, अवसर देना, प्रयोग करना प्रैक्टिकली, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये मैंने कई बार आपको ट्रिक के रूप में बताया है, जहाँ भी आप फंस जाइए जो अवसर वर्ड है ये सबसे बड़ा कीवर्ड होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वाइगोस्की ने सम्मिलित नहीं किया जैविक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, सांस्कृतिक। तो देखिए वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब आपको उत्तर मिल गया होगा, किसे सम्मिलित नहीं किया अपने विचारों में? जैविक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। चलिए वाई नेक्स्ट है, भाषा अर्जन यंत्र, यानी इसी को बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की बात किसने की?
तो किसने किया था? चॉम्स्की महोदय ने, बिल्कुल चॉम्स्की महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राथमिक कक्षा का अध्यापक सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, कक्षा शिक्षण के दरमियान उच्च स्तर के शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। देखिए यह एक अच्छी बात है, यह अच्छी बात नहीं है, यह समायोजन की बात है या छात्रों के हित में है। तो प्राथमिक कक्षा का अध्यापक सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, कक्षा शिक्षण के दरमियान उच्च स्तर के, देखिए उच्च स्तर के शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है भाई प्राथमिक कक्षा में, यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप प्राथमिक कक्षा में आप पढ़ा रहे हो और उसके बाद आप उच्च स्तर के शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये छात्रों के हित में नहीं है, यह अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मातृभाषा तथा प्रथम भाषा अलग अलग हो सकती हैं, मातृभाषा तथा प्रथम भाषा अलग अलग हो सकती है। देखिए मातृभाषा तथा प्रथम भाषा एक हो सकती है, मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा एक ही है, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में अंतर होता है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक कथन असत्य है यानी गलत है, इसका आपको उत्तर देना है। तो देखिए मैंने जब अपने लेक्चर वीडियो आपको दिए हैं, मैंने अपने लेक्चर वीडियो में आपको बहुत स्पष्ट समझाया है, बहुत स्पष्ट बताया है कि मातृभाषा तथा प्रथम भाषा अलग अलग हो सकती है। याद करिए मैंने अपने लेक्चर वीडियो में आपको समझाया था, बताया था कि जैसे बंगाल से कोई माता पिता प्रयागराज में आते हैं तो और किसी बालक का जन्म देते हैं, तो याद रखिए ऐसे बालक की मातृभाषा बंगाली होगी लेकिन प्रथम भाषा हिंदी होगी, क्योंकि वातावरण में हिंदी बोली जा रही है। इसका मतलब प्रथम भाषा और मातृभाषा अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कथन सत्य है, ये सत्य कथन है, ठीक है, ये असत्य कथन, असत्य कथन आपको ढूंढना है। अब देखिए मातृभाषा तथा प्रथम भाषा एक हो सकती है, बिल्कुल एक हो सकती है। अगर प्रयागराज में ही माता पिता रह रहे हैं, उनसे उत्पन्न जो बालक होगा उनकी मातृभाषा तथा प्रथम भाषा दोनों एक ही होगी, क्योंकि वातावरण में हिंदी बोली जा रही है और माता पिता भी हिंदी बोल रहे हैं, तो मातृभाषा तथा प्रथम भाषा एक हो सकती है, ये भी सत्य कथन है। देखिए असत्य आपको ढूंढना है, मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा एक ही है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा एक ही है, ऐसा कह सकते हैं क्या? देखिए मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में अंतर होता है, तो ये सही है, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में अंतर होता है। भाई क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, अलग अलग हो गए अलग अलग, और मातृभाषा किसी राज्य की जो मातृभाषा होती है वो मानक होती है, वो एक मातृभाषा जो होती है, जैसे आपका अगर आप बात करिए, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि किसी बालक की माँ अवधी बोलती है, उस बालक की मातृभाषा होगी, तो उस बालक की मातृभाषा अवधी नहीं बल्कि हिंदी होगी, क्योंकि अवधी यार वो बोलियाँ हैं, भोजपुरी बोलियाँ हैं, किसकी बोलियाँ हैं, हिंदी की बोलियाँ हैं। तो याद रखिए जो बोलियाँ होती हैं और जो मातृभाषा होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती है। तो क्षेत्रीय भाषा आप समझ सकते हैं अलग अलग क्षेत्र बोला जा रहा है, और मातृभाषा किसी राज्य की मातृभाषा एक मानक के रूप में होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। और याद रखें भारत में 12 मातृभाषाएं हैं, भारत में 12 मातृभाषाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ आपका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा, क्या ये गलत है, असत्य है, मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा एक ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा एक ही है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषागत दोष के संदर्भ में असत्य कथन है, वातावरण से प्राप्त दोष दूर किए जा सकते हैं, जन्मजात दोष
पूर्ण रूप से दूर किए जा सकते हैं? वातावरण से प्राप्त दोष सही प्रशिक्षण मिलने पर पूर्णतः दूर किया जा सकता है? उपर्युक्त सभी। अब देखिए, यहाँ पे भाषागत दोष के संदर्भ में असत्य कथन आपको क्या बताना है, कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, वातावरण से प्राप्त जो दोष है वो दूर किए जा सकते हैं, ये कथन सत्य है। हाँ, सत्य है, ऐसे टिक कर दीजिए। तीन सत्य होंगे, एक असत्य होगा। तो देखिए, असत्य कथन आपको ढूंढना है। जन्मजात दोष पूर्ण रूप से दूर किए जा सकते हैं, यही असत्य कथन है। भैया, जन्मजात दोष के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि ये भाषागत जो दोष होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, वो आंशिक रूप से जीवन पर्यंत बने रहते हैं, कुछ न कुछ उनका अस्तित्व रहता है। जो जन्मजात भाषागत दोष होते हैं, भाषागत दोष से तात्पर्य यह है कि हमारे जो स्वर यंत्र है, कंठ, ताल, जो भी हमारे स्वर यंत्र हैं, मूर्धा, उन स्वर यंत्रों में, उनकी ध्वनियों में विकार पैदा हो जाए तो भाषागत दोष हो जाएगा। और ये भाषागत दोष अगर जन्मजात है तो जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं बना रहेगा। ओके गाइस, देखिए, मैं आपके इस तरह से आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तमाम गरीब मित्रों की भी हेल्प की जा रही है, तमाम फ्रेंड्स की भी हेल्प की जा रही है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि आप सबकी मदद की जाए, आप सबकी हेल्प की जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि कितने अच्छे से लेक्चर आपको, आपका मन एकदम खुश हो जाता होगा जो लेक्चर हम लोग दे रहे हैं। देखिए, ये तो प्रैक्टिस हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो लेक्चर आपको दिए गए हैं, कितने गूढ़ और कितने अच्छे अच्छे तथ्यों को लिया गया होगा जो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप दूसरों से बेटर स्थिति में हैं। और इसलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि 25 अप्रैल लास्ट डेट था, है ना, लेकिन ये लास्ट डेट आप सबके हित में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाए, उन्होंने कॉल किया, तो आप सबके हित में ये पूरे अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक, ये पूरे अप्रैल महीने तक एडमिशन ओपन कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, अब गलती नहीं करिएगा, अब चूक आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये महत्वपूर्ण मौका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका हमने आपको दे दिया। तो बिल्कुल, जो लेक्चर्स, जो कॉन्सेप्ट हम आपको वन बाय वन, इन सब पे देख के क्वेश्चन हम बना रहे हैं, लेकिन इन पे लेक्चर जो दिया गया है, पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा कंप्लीट, सभी सब्जेक्ट के, मैथ हो गया, बहुत ही जबरदस्त स्पॉन्सर ने पढ़ाया, बिल्कुल मतलब कई गुना ज़्यादा, आपको हिंदी आप देख रहे हैं, लेकिन कई गुना ज़्यादा आप प्रशंसा करेंगे मैथ की, चाइल्ड साइकोलॉजी की, बिल्कुल पर्यावरण की, बहुत ही अच्छा, द बेस्ट आपको मिल जाएगा संस्कृत। तो कहने का मतलब यह है कि सभी पार्ट्स आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, और सभी कल्पना से परे, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कल्पना से परे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास आपका 30 अप्रैल तक एडमिशन ले रहे हैं, ये लास्ट डेट है। आप एडमिशन अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, 9305077569829931009। इस पर आप व्हाट्सअप करिए, अकाउंट नंबर आप मंगा लीजिए, और 3090 रुपये केवल जमा करना है सीटेट के लिए, केवल सीटीटी के लिए केवल 3090 रुपीज़ जमा करना है। उस अकाउंट में आप पेमेंट करिए और फिर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिए, एकदम बहुत सिंपल, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, पूरा प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, सीधे पहले आप व्हाट्सएप लिखिए, सीटेट एंट्री ये लिखिए, और उसके बाद आपको पूरा प्रक्रिया, पूरा जो है अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आप पेमेंट करके अपनी पूरी की पूरी क्लास, अभी भी आपने लेट नहीं किया है, और बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, मेरी एडवाइस है, ठीक है, मैं एडवाइस कर रहा हूँ, आप करिए, बिल्कुल करिए, और अपने दो चार मित्रों को भी, दो चार दिन जब आप कर लेंगे ना, तो अपने दो चार मित्रों को भी आप बताइए, ठीक है, बिल्कुल आप बताएंगे। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे किसने कहा, बालक अपने वातावरण से व्याकरण के नियमों तक को सीख लेता है। मैंने हमेशा जितने भी 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आपको करना है,
ठीक है, आगे चल के मैं अपने वीडियोस में उनका आंसर मैं दूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, आप इसका उत्तर देंगे, वाइगोस्की, पावलोव, चोम्स्की, पियाजे, किसने कहा? एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने छोड़ा था और उसका उत्तर मैं आगे चल के दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से टॉप 10 मेरे लगातार आएंगे और आप सबकी मैं मदद करता रहूंगा, हेल्प करता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, भाषा विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण, आनुवंशिकता, परिपक्वता, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो भाषा विकास के संदर्भ में प्रशिक्षण का भी महत्व है, आनुवंशिकता से भी भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है, यस। परिपक्वता के द्वारा आप समझ सकते हैं, जो परिपक्व है उसकी भाषा विकास की स्थिति अलग होगी। तो ये उपर्युक्त सभी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उपभाषा होती है जब किसी बोली की रचना की जाने लगे, जब व्यवहारिक रूप आ जाए, जब गांव के साथ शहरी रूप धारण कर लेता है। देखिए, बोली, उपभाषा और भाषा, तीनों में अंतर क्या होता है? समान रूप से कोई बोली बोलचाल में आ गई, उसको आप बोली बोलेंगे। लेकिन जब किसी बोली का रचना किया जाना लगे, साहित्यिक रूप दिया जाने लगे, तो उसी को हम उपभाषा बोलेंगे। मैंने क्या कहा? जब सामान्य रूप से कोई बोली आ गई चलन में, तो वो बोली है भाई। लेकिन किसी बोली का साहित्यिक रूप दिया जाने लगे, रचना किया जाने लगे, तो उसको उपभाषा बोलेंगे। और जब किसी उपभाषा को व्याकरणिक रूप दिया जाए, लिपिबद्ध रूप दिया जाए, क्या मैंने वर्ड यूज किया? व्याकरणिक रूप दिया जाए, लिपिबद्ध रूप दिया जाए, लिखित रूप स्पष्ट दिया जा सके, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं आ जाए, व्याकरणिक रूप दे दिया जाए, उसके नियम कानून तैयार करा दिए जाए, उसके नियमबद्धता स्पष्ट कर दी जाए, लिपिबद्धता कर दिया जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? भाषा, ठीक है। तो सामान्य रूप से कोई बोली चलन में आ गई तो बोली है, साहित्यिक रूप दिया जाए या उस पर रचनाएं शुरू हो जाएं, रचनाएं लिखना शुरू कर दें, तो वो उपभाषा है। समझ में आ गया तीनों में अंतर? और व्याकरणिक रूप दे दिया जाए तो नियमबद्ध कानून उस पर बन जाए, एक व्याकरणिक एक सिस्टम बन जाए कि ऐसे ऐसे होगा, तो वो क्या बन जाएगी? भाषा। ये तीनों में बारीक सा अंतर है। तो अब देखिए भैया, उपभाषा होती है जब किसी बोली की रचना की जाने लगे, बस यही आपका, जब किसी बोली की रचना की जाने लगे यानी साहित्यिक रूप दिया जाने लगे, यही आपकी उपभाषा होती है। जब व्याकरणिक रूप आ जाए तो ये भाषा हो जाती है, बस जब व्याकरणिक रूप आ जाए तो ये क्या हो जाती है? भाषा हो जाती है। अब आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि हम आपको डिफरेंट नहीं, अलग नहीं, बहुत ही अलग पढ़ाते हैं हम आपको। वो पढ़ाते हैं जहाँ पे आप उलझ जाते हैं, जहाँ आप फंस जाते हैं, जहाँ आपको टेंशन हो जाता है, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। मैं तमाम गरीबों के तमाम मित्रों की हेल्प कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, राइट, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि आप भी कम से कम अपने 5 गरीब मित्रों की हेल्प करेंगे। कम से कम 5 गरीब मित्रों की हेल्प करेंगे, मतलब 5 ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि ये वीडियो मेरा प्रयास कैसा लगा। आपके कमेंट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करते हैं। मैक्सिमम लाइक होना चाहिए, मैक्सिमम शेयर होना चाहिए, मैक्सिमम कमेंट होना चाहिए, मैं मैक्सिमम वीडियो दूंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। बस मैक्सिमम, सब कुछ मैक्सिमम होना चाहिए। और मैं भी आपकी सीटेट एग्जाम से पहले मैक्सिमम हेल्प करूंगा, ये मेरा आपसे, आपके भाई का ये वादा है। जरूर शेयर करें, जरूर कमेंट करें, जरूर लाइक करें, ये मैंने दूसरी बार कहा है। ओके गाइस, थैंक यू।